हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारे पास फिलिप्स का एक छोटा सा स्पीकर है कंप्यूटर वाली। तो इस स्पीकर में जो प्रॉब्लम है कि इसकी जो साउंड नहीं आ रही है, तो साउंड नहीं आ रही है किस कारण से ऐसा होता है। कभी कभी जैक का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आईसी का प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो मॉडल है कुछ ये मॉडल है, और इसके बारे में फुल डिटेल ऑडियो बोर्ड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो एक तो अच्छा सा मैं आपको बना दूंगा। फिलहाल इस बोर्ड में और इस बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, और इस बॉक्स को रिपेयरिंग करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए इस बॉक्स के बारे में जानते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है इसको रिपेयरिंग करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस बोर्ड में जो है एक आईसी लगी होती है, जिस आईसी से ही साउंड आती है, जो कि हीट सिंक प्लेट के साथ लगी हुई यहाँ पे अल्युमिनियम सीट में। और आईसी के बारे में नहीं पता है, इस सब के बारे में आपको वीडियो डिटेल में बना दूंगा फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा आईसी लगी हुई है, 8 टंगड़ी का ब्लैक कलर का दिखेगा, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। उसी से साउंड इनपुट होती है और आउटपुट होती है, और वही ये मेन आईसी है, और इसी आईसी से सारा चीज़ इसमें वर्क होती है। इससे मैं लाइन आ रही है, कभी कभी लाइन नहीं आने से तो आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर लाइन आ रही है, और आवाज़ देखिए फ्रेंड, हाथ रखने से आईसी के ऊपर से आवाज़ भी आ रही है, और एक स्पीकर में आवाज़ भी नहीं आ रही थी फ्रेंड। तो एक स्पीकर को हमने चेक किया तो स्पीकर ठीक था, वायर भी ख़राब था, तो वायर भी ख़राब होती है। तो यहाँ पर देखिए, स्पीकर ठीक है हमारा, आईसी भी ठीक है हमारा, लेकिन साउंड नहीं आ रही है। साउंड नहीं आने का दो कारण होता है, पहला तो वॉल्यूम ख़राब हो सकती है जिसके कारण से साउंड आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे आईसी हमारा सही बता दिया, आईसी को पहले आप चेक कर लीजिएगा। आईसी चेक करने के बाद मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को चेक किया, वॉल्यूम के आउटपुट सेक्शन में जहाँ पे जेक वाली पिन वायर सोल्डर किया हुआ है, ये देखिए वॉल्यूम का 6 पिन है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम जो नज़र आया ना, कि वॉल्यूम का आउटपुट जो वॉल्यूम से इनपुट हो रही है, वहाँ से इसको सही से पावर नहीं मिल पा रही फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आईसी से तो प्रॉपर क्लियरिटी वर्क यहाँ पे हो जा रही है फ्रेंड, और बहुत ही मस्त काम कर जा रही है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे वॉल्यूम में जो प्रॉब्लम है ना, वॉल्यूम का यहाँ पे बाईपास करना होगा फ्रेंड। अब बाईपास कैसे होगा फ्रेंड, यहाँ पे 2 पिन, तो यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम का 1-2 पिन को शॉर्ट करके देखना होगा फ्रेंड। यहाँ जो वॉल्यूम का पिन है, किस पिन में आपको साउंड मिल रही है फ्रेंड, जिस पिन में साउंड मिल रही है उस पिन को शॉर्ट करना होगा। तो शॉर्ट करने के बाद जो आपका डायरेक्टली काम करने लगेगा, वॉल्यूम लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली इस पिन से लेके इस पिन में मैंने शॉर्ट कर दिया, और बीच वाले 2 पिन को डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया। तो इसमें जो है 2 पिन बीच में शॉर्ट कर दिए, और साइड वाला पिन से साइड वाला पिन को एक ट्रैक से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया हूँ फ्रेंड, इजीली ट्रैक से। तो सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है वीडियो में, सिंपल सा मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि वॉल्यूम के जो ऑडियो है वो यहाँ पे शॉर्ट करके देखना है, जिस पिन में आपका बजने लगे उस पिन में आपको कनेक्शन कर देनी है फ्रेंड। और देखिए, हमारा जो इजीली यहाँ पर शॉर्ट किया हूँ, और हमारा यहाँ से काम करने लगेगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड, इस बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकती है इसके बाद भी अगर ना बजे, नॉर्मली चेक करने का तरीका तो मैं बता दिया आपका, ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पे नहीं बजे, चलिए मैं आपको चेक करके दिखाते हैं, नहीं बजती हमारा जो है। अब चलिए मैं पीसी में लगाता हूँ और चेक करता हूँ फ्रेंड, इसके बाद भी हमारा जो है स्पीकर नहीं बजा, यहाँ पर वॉल्यूम शॉर्ट करने के बाद भी और बाईपास करने के बाद भी। अब इजली इसमें बाईपास भी कर दीजिएगा तो सही रहेगा, डायरेक्टली वॉल्यूम आपका जो है काम करेगा फ्रेंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बाईपास कैसे करते हैं इसके बारे में अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें, और व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको बना दूँगा, फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर जैक से चेक करेंगे, जैक की जो है वायर सही है या नहीं, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी यहाँ पे जो है हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए फ्रेंड,
वायर तो मुझे यहाँ लग रही है कि ख़राब है, क्योंकि कोई भी वायर में सही से पॉइंटेड नहीं बता पा रही है। हो सकता है आपका वायर भी, तो देखिए मैं एक बार और चेक करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे वायर मैंने कटिंग करके चेक कर रहा था फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड यहाँ पे वायर हमारा जो है निकाल लिया। और यहाँ से भी चेक करेंगे तो फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे बता रही है वॉल्यूम तो ठीक है, तो वायर वॉल्यूम ठीक नहीं है, बाईपास किया फ्रेंड इसलिए मेरे यहाँ आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेंड चेक करके आपको दिखाते हैं कि ऑडियो हमारा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे वॉल्यूम के पास जहाँ पे बज रही थी वहाँ पे जैक लगा के देखा बाहर से ही, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड साउंड आ रही थी फ्रेंड, जिसके कारण से यहाँ पे जहाँ पे साउंड आ रही है वहाँ से बाईपास करके आप इजीली डायरेक्टली यहाँ पे ऑडियो का जैक लगा सकते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाते हैं ऑडियो का जैक कैसे लगाते हैं। तो वॉल्यूम में ही बाईपास करना, वॉल्यूम के पास ही सारा कनेक्शन आपको मिल जाएगा फ्रेंड ऑडियो का इनपुट का। तो चलिए फ्रेंड इससे वायर को निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें वॉल्यूम ऑडियो जैक लगाते हैं फ्रेंड, जिससे कि इजीली यहाँ पे कनेक्ट करके मैं यहाँ पे बजा सकूँ। तो चलिए इसको बाईपास करते हैं, बाईपास बोलते हैं यहाँ पे, ऑडियो जैक लगाते हैं फ्रेंड। और चलिए यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से होल कर लेते हैं और न्यू जैक इसमें इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो चलिए ये वायर ही बहुत ख़राब हो चुका है और यहाँ पर न्यू जैक हमारा होम थिएटर वाली जैक है, इजीली मार्केट में मिल जाएगा 30-40-50 रुपये के आसपास, इससे ज़्यादा रेट तो हो नहीं सकती है। तो चलिए फ्रेंड इस वायर को भी कटिंग कर लेते हैं और इजीली यहाँ पे पार करते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं फ्रेंड। और इस स्पीकर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड जो कि इसमें कोई दिक्कत हो। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे वायर को छीन लेते हैं और ग्राउंड पॉइंट को यहाँ पे खोजना पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये पहला पॉइंट है जो है ग्राउंड है, और यहाँ पे देखते कुछ पॉइंट में ग्राउंड मिल रही है। कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे फ्रेंड यहाँ पे, कंटिन्यूटी टेस्ट मल्टीमीटर से। तो ग्राउंड मुझे ग्रीन वाले तार में मिली दोनों का, तो हो सकता है कि आपका भी ग्रीन मिले या कोई और भी कलर हो सकता है, इसीलिए कंटिन्यूटी टेस्ट करना जरूरी है फ्रेंड। तो चलिए ग्रीन वायर को जोड़ लेते हैं आपस में और दो ठो है लेफ्ट राइट, उसको अलग अलग लेफ्ट राइट के साथ ही कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए इस वायर को यहाँ पे जोड़ लेते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, थोड़ा सा समझने का देर है और इजीली आप इसको कर पाएंगे, और कुछ दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं और मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्व करने का कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड यहाँ पे ये वाले पहले वाली जैक का कनेक्शन को हटा लेते हैं और सेम उसी जगह में ग्राउंड का ग्राउंड में और लेफ्ट राइट का लेफ्ट राइट में कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। और इसका पार्ट टू वीडियो भी मैं आपको बनाऊँगा क्लियर आपको करने के लिए, आज इस वीडियो में प्रॉपर क्लियर आप नहीं हो पा रहे होंगे, तो मैं एक पार्ट टू वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं डायग्राम बना के आपको और डिटेल में कुछ बताऊंगा फ्रेंड, जिससे आप क्लियर हो जाओगे। तो चलिए फ्रेंड ग्राउंड का ग्राउंड में और लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट में कनेक्शन करते हैं। और इस वीडियो में इसलिए नहीं बना फ्रेंड, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगी इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ, और फिलहाल इसमें कनेक्शन ही करके आपको दिखा रहा हूँ और प्रॉब्लम को ही सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से हमारा कनेक्ट हो चुका है और देखिए मैं चेक कर रहा हूँ।
तो चलिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पे सारा चीज़ हो चुका है और इसको असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से लगा लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद इसको आपको चेक करके दिखाएंगे। और आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड, और हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है फ्रेंड, और इसका पार्ट टू भी वीडियो आने वाली फ्रेंड बहुत ही जल्दी और आपको मिल जाएगी।